नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधु स्वागत करता हूं। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम के परम भक्त, देवों के देव महादेव भगवान शंकर के अवतार हनुमान जी ने भगवान राम और रावण के मध्य चल रहे युद्ध में लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर संजीवनी बूटी लाकर प्राण बचाए थे। परंतु क्या आपने कभी यह सोचा है कि आखिर कैसे हनुमान जी 5000 किलोमीटर की दूरी तय कर संजीवनी बूटी लाए? आपके मन में उठने वाले इन सवालों के जवाबों को खोजने के लिए हमने कुछ तथ्यों का सहारा लिया है। आइए आपको इन तथ्यों से अवगत करवाते हैं, ताकि आप भी जान सकें कि हनुमान जी ध्वनि की रफ्तार से भी दोगुना तेज उड़ने में सक्षम थे। आवाज़ की रफ्तार से दोगुना तेज उड़े थे हनुमान। माता सीता जी के हरण के बाद भगवान श्री राम और लंकापति रावण के मध्य हुए भीषण युद्ध के दौरान लक्ष्मण और मेघनाथ के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें लक्ष्मण जी मूर्छित हुए। जानकारी के अनुसार लक्ष्मण और मेघनाथ के युद्ध से पहले मेघनाथ ने अपनी कुलदेवी की तपस्या शुरू की थी। मेघनाथ ने यह तपस्या पूरा दिन की। इस पूजा की खबर जब श्री राम जी को मिली तो विभीषण ने बताया कि अगर मेघनाथ की तपस्या पूर्ण हो गई तो मेघनाथ अमर हो जाएगा, इसलिए मेघनाथ की तपस्या को भंग कर युद्ध के लिए ललकारना होगा। इसके बाद हनुमान जी व अन्य वानर सेना मेघनाथ जी की तपस्या भंग करने गए, जिसमें वह सफल भी हुए। लेकिन तब तक रात हो चुकी थी। जब लक्ष्मण जी ने रात को ही मेघनाथ को युद्ध के लिए ललकारा, रामायण के अनुसार उस समय रात्रि का दूसरा पहर शुरू हो चुका था। माना जाता है कि रात्रि का पहला पहर सूर्य अस्त होते ही शुरू हो जाता है और सूर्य उदय होने के साथ ही रात्रि का अंतिम यानी चौथा पहर खत्म हो जाता है। दिन और रात्रि के कुल 8 पहर होते हैं, यानी कि हर पहर 3 घंटे का होता है। मौजूदा समय के अनुसार यदि गणना की जाए तो लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध रात 9 बजे शुरू हुआ होगा। युद्ध बेहद घनघोर होने के कारण एक पहर यानी 3 घंटे तक चला था। इस दौरान मेघनाथ ने अपने शक्तिशाली अस्त्र का प्रयोग कर लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। ऐसे में लक्ष्मण जी के मूर्छित होने का समय लगभग 12 बजे के आसपास का रहा होगा। मेघनाथ ने मूर्छित लक्ष्मण जी को उठाने की जी तोड़ कोशिश की, जबकि लक्ष्मण जी तो शेषनाग के अवतार हैं। जो शेषनाग समस्त पृथ्वी को अपने फन पर उठा सकता है, उस शेषनाग के अवतार को भला मेघनाथ क्या उठा पाता। लक्ष्मण जी को ना उठा पाने पर मेघनाथ वापस चला गया। श्री राम अपने प्राणों से भी प्यारे भाई को मूर्छित देखकर शोक में डूब गए। इसी दौरान विभीषण के कहने पर हनुमान जी लंका से राज्य वैद्य को जबरन उठा लाए। यदि लक्ष्मण जी अगर रात 12 बजे मूर्छित हुए तो जाहिर है कि उसके बाद श्री राम के शोक और विभीषण द्वारा सुषेण वैद्य को लाने में कम से कम 1 घंटे का समय तो लग ही गया होगा। रात को 1 बजे वैद्य द्वारा लक्ष्मण की जांच करने और उनके प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाने की सलाह देने और हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए प्रस्थान करने में भी कम से कम आधा घंटा जरूर लगा होगा। बजरंगबली हनुमान जी मौजूदा समय गणना के अनुसार 1:30 बजे संजीवनी बूटी लाने के लिए लंका से उड़े होंगे। 1:30 बजे लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए हनुमान जी उड़े और 5 बजे तक वापस भी आ गए। इसका मतलब हनुमान जी महज 3.5 घंटे में द्रोणागिरी पर्वत उठाकर वापस आए। इन 3.5 घंटों की उड़ान के दौरान हनुमान जी को कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। लंका से निकलकर पवन पुत्र हनुमान भारत पहुंचे। इस दौरान रास्ते में उन्हें कालनेमी नामक राक्षस अपना रूप बदल कर मिला। कालनेमी निरंतर श्री राम जी का जप कर रहा था, जबकि उसकी असल मंशा हनुमान जी का समय खराब करने की थी। जब हनुमान जी ने जंगल में राम नाम का जाप सुना तो वह नीचे उतर आए। कालनेमी ने खुद को ज्ञानी बताते हुए हनुमान जी को स्नान करके आने को कहा। इसके बाद रावण युद्ध का नतीजा बताने की बात कही। भोले हनुमान जी उसकी बातों में आकर स्नान करने चले गए। स्नान के दौरान उनका सामना एक मगरमच्छ से हुआ, जिसे हनुमान जी ने मार डाला। मगरमच्छ की आत्मा ने हनुमान को इस कपटी कालनेमी के बारे में बताया, तब बजरंगबली ने उसे भी अपनी पूंछ में लपेटकर परलोक भेज दिया। अब इस घटनाक्रम में हनुमान जी का कम से कम आधा घंटा जरूर खराब हुआ होगा। उसके बाद बजरंग बली जी ने उड़ान भरी और द्रोणागिरी पर्वत जा पहुंचे। अब हनुमान जी संजीवनी बूटी के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते थे। संजीवनी को खोजने के लिए वह काफ़ी देर तक भटकते रहे होंगे। इसमें भी उनका कम से कम आधा घंटा जरूर खराब हुआ होगा। बूटी को ना पहचान पाने पर हनुमान जी पूरा पर्वत उठा लंका की तरफ उड़ चले। लेकिन हनुमान जी के लिए रास्ते में एक अन्य मुसीबत आ गई। जब पवन पुत्र पर्वत लिए
अयोध्या के ऊपर से उड़ रहे थे तो भरत ने सोचा कि वह कोई राक्षस अयोध्या के ऊपर से जा रहा है, तो उन्होंने बिना सोचे समझे बाण चला दिया। बाण लगने से वीर हनुमान श्री राम का नाम लेते धरती पर आ गिरे। हनुमान जी के मुंह से श्री राम का नाम सुनते ही भरत दंग रह गए। जब हनुमान जी ने समुची जानकारी प्रदान की, भरत ने उनसे माफ़ी मांगकर उनका उपचार किया, तब हनुमान जी वापस लंका उड़े। इन सभी घटनाओं में भी बजरंगबली के कीमती समय का से कम आधा घंटा फिर से खराब हुआ। आइए अब हनुमान जी के उड़ने के समय पर गौर करें। अब हनुमान जी के पास सिर्फ 2 घंटे थे। इन 2 घंटों में वह लंका से द्रोणागिरी पर्वत आए और वापस आए। अब अगर हम हनुमान जी द्वारा तय इस दूरी को देखें तो श्रीलंका से द्रोणागिरी पर्वत तक की दूरी लगभग 2500 किलोमीटर है, यानी कि आने जाने की यह दूरी दोनों तरफ से मिलाकर 5000 किलोमीटर बनती है। बजरंगबली ने यह 5000 किलोमीटर की दूरी मात्र 2 घंटे में तय की। इस हिसाब से हनुमान जी के उड़ने की रफ्तार लगभग 2500 किलोमीटर प्रति घंटा निकलती है। अगर ध्वनि की रफ्तार की बात करें तो हनुमान जी की गति ध्वनि की रफ्तार से भी लगभग 2 गुना अधिक थी। मौजूदा समय में भारत के पास लड़ाकू विमान MiG-29 की रफ्तार 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ हनुमान जी की उड़ने की गति मिग से भी 100 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, या यूं कहें कि हनुमान जी लड़ाकू विमान से भी अधिक तेज उड़ने में सक्षम थे। सो दोस्तों, यह थी पवन पुत्र हनुमान जी से जुड़ी जानकारी। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।